नमस्कार, भारत 24 पर आप देख रहे हैं सबसे जानदार शो राजपथ। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। हमारे इस खास शो में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। तो पहले शुरुआत करेंगे महाठक से चंदे के साथ और फिर सरकारी खजाने से पार्टी का प्रचार। दरअसल अब नई शराब नीति बनाकर दिल्ली के राजस्व को इस बार 2873 करोड़ का चूना लगाने का आरोप लगा है आम आदमी पार्टी पर। बिल्कुल, आपको बता दें शराब घोटाले में ईडी ने ऐसा बम फोड़ रखा है कि पूरी दिल्ली हिल गई है। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर शराब माफियाओं से पहले करोड़ों रुपए कमीशन लेना और फिर उन्हें मुनाफा पहुंचाने का आरोप लगाया। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है या फिर कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी। आम आदमी पार्टी का वसूली कांड। आम आदमी पार्टी का हेल ईडी ने कर दिया फेल। दिल्ली में सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फ्री के लालच में जनता ने कुर्सी पर बैठाया और उन्होंने दिल्ली के खजाने को ही साफ कर दिया। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हम सच्चे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक के बाद एक सवालों में घिरते जा रही है। आम आदमी पार्टी पर एक दो नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के तीन गंभीर आरोप लगे हैं। महाठक से चंदा वसूली के बाद दिल्ली की नई शराब नीति पर अब ईडी ने नया बम फोड़ दिया है, जिसका धमाके के बाद से आम आदमी पार्टी खुद को संभाल नहीं पा रही है। ईडी ने बता दिया है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से दिल्ली को कितना नुकसान पहुंचा है। ईडी के मुताबिक दिल्ली को 2873 करोड़ का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। सुकेश चंद्रशेखर से 60 करोड़ रुपए लूटने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से शराब घोटाले में लूट मचाई, उसका ब्यौरा भी सामने आ चुका है। ईडी की प्रोसिक्यूशन नोट में साफ है किस प्रकार से मोडस ऑपरेंडाई किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा शराब घोटाले में। दिल्ली सरकार अभी तक अपने नई शराब नीति का बचाव कर रही है, लेकिन ईडी के सवाल के बाद नई शराब नीति को निरस्त कर दिल्ली में एक बार फिर से पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया गया है। लेकिन तब तक खेल हो चुका था, शराब माफिया मोटा मुनाफा कमा चुके थे, दिल्ली के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। ईडी के चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली के राजस्व को 2873 करोड़ का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 करोड़ रिश्वत दिया गया। आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर ने शराब माफिया से पैसा लिया। विजय नायर वसूली का धंधा दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के बंगला से चलाया करता था। चार्जशीट में दावा किया गया कि आरोपियों ने 295 करोड़ का कमीशन लिया। होलसेल कारोबारियों के कमीशन को 12% किया गया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कोई स्कैम नहीं हुआ, ये सारे कट्टर ईमानदार है जी। अगर स्कैम नहीं हुआ तो आपने पुरानी पॉलिसी पर जाने का काम क्यों किया? अगर स्कैम नहीं हुआ तो बताइए कि आज मनीष सिसोदिया जो मेन अक्यूज नंबर वन है, वो फाइलें क्यों मंगवा रहे थे शराब घोटाले की? अगर स्कैम नहीं हुआ तो बाकी के अक्यूज और मनीष सिसोदिया मिलकर डिजिटल एविडेंस को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे थे? अगर स्कैम नहीं हुआ तो आज बताना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि जो स्पेसिफिक सवाल उठाए गए हैं कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंसेस का कैसे बढ़ा, कैसे EMD को रिफंड कर दिया गया, क्यों आपने कोविड के पीक काल में 144 करोड़ का वेवर दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी और उसके अध्यक्ष के दामन पर भ्रष्टाचार और वसूली के कई दाग लग चुके हैं, लेकिन केजरीवाल फिर भी खुद को दूध का धुला बता रहे हैं। हम सच्चे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं। देश का सबसे बड़ा महाठग सुकेश चंद्रशेखर आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए चंदा देने का आरोप लगा चुका है। दिल्ली के खजाने से 97 करोड़ रुपए खर्च कर आम आदमी पार्टी का प्रचार करने पर दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना आम आदमी पार्टी से वसूली का आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल खुद को दूध का धुला हुआ बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
चलिए अब बात करते हैं कोविड के बढ़ते खतरे की। नए साल के साथ ही कोरोना एक बार फिर से देखिए डराने लगा है। नए साल के साथ ही कोरोना भी अब दुनिया में दस्तक देने की तैयारी में है, लेकिन भारत सरकार ने पहले से ही कर ली है तैयारी और सरकार हो गई है सतर्क। कोरोना के नए जो वेरिएंट है उसको हराने के लिए, भारत से कोरोना को भगाने के लिए केंद्र सरकार की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो देखिए चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए अब भारत में एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना का लक्षण मिलते ही मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का आदेश भी अब दे दिया गया है। कोरोना से डरो ना, पीएम मोदी है ना। कोरोना का टेंशन, मोदी सरकार का एक्शन, वो फिर डरा रहा है। 2023 में वो फिर आ रहा है, लेकिन भारत भी तैयार है। उसे हराने के लिए मोदी सरकार एक्शन में है। इस बार ना तो भारत डरने वाला है और ना ही जालिम कोरोना को भारत छोड़ने वाला है। 25 दिसंबर और नए साल के जश्न को कोरोना एक बार फिर से फीका करने वाला है। नए साल पर कोरोना एक बार फिर दुनिया में फैलने की तैयारी में है। अपने घर चीन में कोरोना भले ही कोहराम मचा रहा है, लेकिन भारत में ना तो कोरोना और ना ही चीन की दाल गलने वाली है, क्योंकि भारत सरकार पहले ही एक्शन में है। नरपिशाच कोरोना का खात्मा करने के लिए भारत सरकार ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को रोकने की तैयारियों पर बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों के साथ एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। चीन में जिस तरह से कोरोना कहर मचा रहा है, आम लोगों की जिंदगी को निगल रहा है, उससे भारत भी सतर्क हो गया है। भारत में कोरोना वैक्सीन के 212 करोड़ डोज लग चुके हैं। चीनियों के मुकाबले भारतीय वैक्सीन और भारतीयों की इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। भारत सरकार इस बात को लेकर इसलिए ज्यादा चिंतित है क्योंकि चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। ऐसे में भारत भी सख्ती बरतने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स को भारतीय वैक्सीन पर भरोसा है। लोगों को बांध के रखा जाए और लोगों में टीकाकरण उन्होंने लगाया है, अब उसके टीके का कितना प्रभाव है, एक तो ये प्रश्न उठता है, और दूसरा जो प्राकृतिक तौर पे जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रतिरक्षण बहुत अच्छा बन जाता है, और अगर लोगों को बचा के रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ क्या सिचुएशन है इसके बारे में कहना मुश्किल है। साफ है भारत कोरोना को हराने के लिए एक बार फिर तैयार है, लेकिन इसमें सरकार के साथ 135 करोड़ लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर सर्विलांस बढ़ाने की तैयारी है। विदेशों से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच होगी। नए साल का जश्न मनाकर विदेश से लौटने वाले भारतीय पर भी सख्ती के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना जैसे लक्षण पाए जाने पर उनके सैंपल तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए अभी हमने जिक्र किया ही था कि कोरोना का कहर अब यहां पर भी हो सकता है। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी, भारत में BF7 वेरिएंट जिसका जिक्र किया था, 3 केस मिले हैं जानकारी सूत्रों से। BF7 वेरिएंट के गुजरात में 2 केसेस, ओडिशा में भी 1 केस मिलने की खबर। आपको बता दें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये पूरे सैंपल्स भेजे गए हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, भारत भी अब अलर्ट मोड पर। जो स्वास्थ्य महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ चीन में मामले तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में भारत सरकार अब काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है। और यूपी में अब मदरसों में पढ़ाई के नाम पर छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा था वो अब हो नहीं पाएगा। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होगी।
मदरसे भी अब स्कूल की ही तरह चलने वाले हैं, उसमें भी ड्रेस कोड लागू होगा। लेकिन देखिए, इसका विरोध भी अब शुरू हो चुका है। टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया सियासत पर उतर आए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में मदरसों से सियासी छुट्टी, शुक्रवार की छुट्टी पर एक्शन। यूपी के मदरसों में अब कानून का राज चलेगा। यूपी के मदरसा संचालक अब कानून को ठेंगा नहीं दिखा पाएंगे। यूपी के मदरसों में रविवार की बजाय अब शुक्रवार को छुट्टी नहीं होगी। यूपी मदरसा बोर्ड ने मदरसों से सियासी छुट्टी को साफ कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय के रूल बुक का उल्लंघन करने वाले मदरसों पर अब एक्शन की भी तैयारी है। यानी अब कोई मदरसा संचालक रविवार को मदरसा खोलता है, शुक्रवार को बंद रखता है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद मदरसा बोर्ड ने कई नियमों को बदलने का प्रस्ताव दिया। लखनऊ में आयोजित मदरसा बोर्ड की बैठक में सभी मदरसों के साप्ताहिक अवकाश में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा मदरसों में यूनिफॉर्म पहनने को लेकर भी फैसला किया गया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने बैठक बुलाई थी, जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए। बदलेगी मदरसों की छुट्टी, शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव। मदरसों में यूनिफॉर्म करने का प्रस्ताव। साप्ताहिक अवकाश बदलने की मांग मदरसों से जुड़े कई लोगों की ओर से की जा रही थी, जिसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया। हालांकि बैठक में कई मदरसों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। संडे को हमारे मदरसे खुलते हैं और शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है, और जुमे के दिन जब मदरसे हमारे बंद रहते हैं तब शासन प्रशासन दोनों खुलता है। तो देखिए, आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमारा सरकार का उद्देश्य है कि आपस में तालमेल रहे। बेसिक शिक्षा की तर्ज पे जब हमारे मदरसे चल रहे हैं, उनको तनख्वाह उसी तर्ज पे मिलती है। तो रही बात जुमे की छुट्टी की, एक घंटे की, तो कर सकते हैं। इस तरह का प्रस्ताव हमारा मदरसा बोर्ड बना के भेजने जा रहा है, जिसको मैंने प्रस्ताव को रखा है। अगली बैठक मुझे लगता पास हो जाएगा, माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव चला जाएगा, निर्णय उनको लेना है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो ये आदेश यूपी के अनुदानित और गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त सभी मदरसों पर लागू होगा। हालांकि मदरसा बोर्ड के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश महासचिव दीवान साहब जमा ने शुक्रवार की जगह रविवार छुट्टी देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, हाईकोर्ट पहुंचा है बार्क से जुड़ा हुआ मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, बार्क के सरकारी अधिग्रहण का मामला, अधिग्रहण की मांग को लेकर अब पीआईएल पर नोटिस भेजा गया। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और अन्य को इसे लेकर नोटिस, 6 सप्ताह में जवाब मांगा गया है नोटिस का। मामले पर जो अगली सुनवाई होगी वो होगी 28 अप्रैल को। अर्जी में निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। टीआरपी एजेंसी है बार्क और उसको लेकर अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और अन्य को नोटिस, 6 सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा। और अब देखिए खबर महाराष्ट्र से, जहां पे लव जिहाद के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और श्रद्धा मर्डर के बाद अब महाराष्ट्र की शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार सख्त हो गई है। और देखिए करिश्मा, महाराष्ट्र सरकार लव जिहादियों को जेल भेजने की भी तैयारी कर रही है, बड़ी बात यह है। और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा, और इससे जरूरी, इसलिए ये जरूरी है ताकि फिर कोई आफताब श्रद्धा को अपने जाल में न फंसा पाए, उसकी हत्या न वो कर सके। महाराष्ट्र तैयार, होगा लव जिहाद पर वार। अब नहीं होगा श्रद्धा जैसा कांड, हर आफ्ताब का होगा हिसाब। लव जिहाद प्यार और धोखे की साजिश पर अब महाराष्ट्र सरकार का हंटर चलने वाला है। महाराष्ट्र या फिर मुंबई, अब नहीं होगा श्रद्धा वॉकर जैसा हत्याकांड और अब नहीं बचेंगे आफ्ताब जैसे शातिर लव जिहादी।
महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा के बाहर लव जिहाद के खिलाफ हिंदू जनजागृति समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। लव जिहाद और धर्म के धंधेबाजों के खिलाफ प्रदर्शन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शामिल हुई और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर हजारों श्रद्धा को सन की आफ्ताब से बचाने की गुहार लगाई। शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी शासित महाराष्ट्र सरकार भी अब लव जिहादियों का मुकम्मल इलाज करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए देश के दूसरे राज्यों में बने लव जिहाद के कानूनों को जांचा और परखा जा रहा है। श्रद्धा वालकर के मामले में सभागृह की ये भावना थी कि जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे, एक प्रकार से ये सारा लव जिहाद का जो प्रकरण है ये महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है। उस पर हमने आश्वस्त किया है कि अलग अलग राज्यों ने इसमें जो निर्णय लिए हैं, जो कानून तैयार किए हैं, उन सभी का अभ्यास हम करेंगे और उसके आधार पर हम लोग एक उचित निर्णय लेंगे कि जिसके कारण इस प्रकार से षड्यंत्र रचकर कोई भी महिला या कोई भी लड़की प्रताड़ित न हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी। देश में बढ़ते लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, नाम बदलकर प्यार और फिर शादी के बाद धर्म बदलने का खेल धड़ल्ले से जारी है, लेकिन धर्म के धंधेबाजों पर कानून बनाकर कई राज्य लगाम कस चुके हैं। अब महाराष्ट्र सरकार भी धर्म के धंधेबाजों पर लगाम लगाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुकी है, लेकिन AUIDF अध्यक्ष और असम से सांसद बदरुद्दीन अजमल को लव जिहाद पर कानून पसंद नहीं आया। लव जिहाद होता है तो दोनों तरफ से होता है, खाली मुसलमान के साथ हिंदू जाए तो खाली लव जिहाद नहीं होता है, हिंदू के साथ भी मुसलमान बेशुमार जा रहे हैं, तो दोनों तरफ एक्शन हो, ये तो दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। अकेले एक के ऊपर क्यों, ये नहीं होना चाहिए। अगर अकेले प्रदाय के ऊपर हो रहा है वो गलत है। बिल्कुल सही कहा बदरुद्दीन अजमल साहब, कानून दोनों पर लागू होना चाहिए, लेकिन हिंदू लड़के साजिश के तहत नाम बदलकर किसी को झांसी में नहीं लेते हैं, जबरन धर्मांतरण नहीं कराते हैं, प्यार के ढोंग के बाद हत्या नहीं करते हैं, वो आफ्ताब जैसे दरिंदे नहीं होते हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार ने श्रद्धा के पिता विकास वॉकर की मांग पर श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में SIT जांच का ऐलान कर दिया है। SIT हत्या के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस की लापरवाही की भी जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि श्रद्धा वालकर मर्डर केस के लिए एक SIT टीम गठित की है और उस केस को सखोल जांच के लिए दिया जाए। उसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूँ और उसी तरह उस केस को फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए भी निवेदन करता हूँ। कल विधानसभा में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि उन्होंने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के लिए SI टीम का गठन किया है। देश के कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन लव जिहादी अब नहीं बचेंगे। धर्म के धंधेबाज अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। अब कोई भी बेटी श्रद्धा नहीं बनेगी। अब कोई भी आफ्ताब कानून के हंटर से नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, इस लव जिहाद के खिलाफ अब महाराष्ट्र भी तैयार होने वाला है ताकि कोई और श्रद्धा ना बन पाए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो ट्वीट किया है जिसकी चर्चा सियासी गलियारे में शुरू हो चुकी है। तस्वीर क्या है ये बताएंगे आपको करिश्मा। बिल्कुल पूजा, ट्वीट में देखिए ये कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये लिखा है कि अक्खड़पन में आपा खो जाना इससे कहते हैं। वीडियो में राहुल गांधी देखे जा रहे हैं और राहुल गांधी मंच पर सेल्फी ले रहे हैं, एक शख्स के हाथों को पकड़कर झटक रहे हैं। देखिए यही तस्वीर अब चर्चा का विषय बनी है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो प्यार भरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, कहीं पर जहां माँ का फीता बांधते नजर आते हैं, कहीं बहन के साथ ताल में ताल मिलाते नजर आते हैं। अब एक और ये तस्वीर सामने आई है जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने शेयर की है, जिसमें राहुल गांधी गुस्सा हो रहे हैं, सेल्फी ले रहे शख्स के मोबाइल को पकड़ लेते हैं और ना सिर्फ पकड़ लेते हैं बल्कि हाथ झटक भी देते हैं। और देखिए ये तस्वीर अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है, ये वीडियो जो कि उन्होंने ट्वीट करते हुए साझा किया और उन्होंने साफ तौर से देखिए अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक शख्स वहां पे पहुंचता है, सेल्फी लेता है और राहुल गांधी किस तरीके से उसका हाथ झटकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर पत्रकारों के तीखे सवाल को सुनकर भड़क उठे हैं।
दरअसल मैनपुरी में जीत हुई, जीत का जश्न भी आप लगातार देख रहे हैं, लोगों के साथ ही मनाया जा रहा है उनसे मिलकर। लेकिन इस जीत की बाद में जो तस्वीरें आ रही हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं अखिलेश के लिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए शहर शहर घूम रहे हैं, लेकिन कानपुर में पत्रकार ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव की जीत को लेकर एक MY समीकरण पर सवाल दाग दिया। फिर क्या हुआ करिश्मा? बिल्कुल पूजा, सवाल क्या दागा, इसके बाद अखिलेश यादव तो भड़क गए, पत्रकार से ही वो सवाल पूछने लगे, उसे बीजेपी का एजेंट बताने लगे। और सवाल ये था कि MY समीकरण से सालों तक यूपी की सत्ता पर राज करने वाले अखिलेश यादव को आखिर MY समीकरण पर सवाल पूछना इतना क्यों चुप गया, ये सवाल हम भी उठा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब समाजवादी पार्टी की बात आती है तो MY समीकरण का ही जिक्र होता है, लेकिन इस सवाल पर वो भड़क गए और बीजेपी के एजेंट पत्रकार को बता दिया। क्या अखिलेश को हिंदुओं का वोट खिसकने का डर सता रहा है जिस कारण से अखिलेश यादव ने इस तरीके से रिएक्ट किया? अखिलेश जी, आरोप लग रहा है कि MY कॉम्बिनेशन को साधने के लिए आप निकले हैं। मैनपुरी का जल नहीं देखा, आईसाइट कमजोर है क्या तुम्हारी? आईसाइट बदले तुम्हारे चश्मे की। अच्छा ये बताइए सफर, ये बात देखिए पत्रकार साथी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता मत बनिए। रामपुर के लिए क्या कहना चाहिए? तो मैं आपसे कहूंगा अपना चश्मा ठीक करिए और मैनपुरी में देखिए कोई वर्ग नहीं छूटा जिससे समाजवादी पार्टी की मदद न की। रामपुर में क्या हुआ? ये बीजेपी की, अरे वोट ही निकालने दिया उस पत्रकार साथी को, देखो ना दाल में सही बता दिया। दरअसल इन तस्वीरों को देखने के बाद ये लगता है कि अखिलेश यादव अब इस MY समीकरण वाली इमेज से बाहर आना चाहते हैं और सर्वदलीय नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जिसमें वो जैसा जिक्र भी कर रहे हैं कि मैनपुरी में हर दल ने, हर तरह के लोगों ने उनका साथ दिया है और अपनी उस इमेज से वो बाहर निकलना चाहते हैं। करिश्मा बिल्कुल ठीक कहा और यही वजह थी कि उन्होंने ऐसा रिएक्ट भी किया है। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए भारत 24।